नमस्कार, स्वागत है आपका KSG इंडिया न्यूज बुलेटिन में। अगर आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये हैं कुछ खास खबरें आपके लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन और रूस को मिली UN के मानवाधिकार परिषद की सदस्यता। भारतीय छात्रों के नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा NASA। यूजर्स इंडिया को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए चुना गया। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की प्रशासनिक संरचना घोषित। मिसाइल सिस्टम में मेक इन इंडिया को बढ़ावा। आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत NASA ने 8 नेशन स्पेस गठबंधन की घोषणा की। NASA के नए चंद्रमा नियम, कोई लड़ाई या कूड़ा नहीं। IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। चीन और रूस को मिली UN के मानवाधिकार परिषद की सदस्यता। मंगलवार को चीन, रूस और क्यूबा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य चुने गए। पाकिस्तान 5वीं बार बना है UNHRC का सदस्य। सऊदी अरब को हार का सामना करना पड़ा। रूस और क्यूबा निर्विरोध चुने गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल मानवाधिकार परिषद के 1/3 सदस्यों को बदलने के लिए चुनाव करवाती है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, जिन्हें अधिकतम लगातार 2 बार चुना जा सकता है। UNHRC के 47 सदस्य देश हैं और उम्मीदवारों को भौगोलिक समूहों में गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है, ताकि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सके। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4 देश चुने जाने थे, जिसके लिए 5 देशों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इसमें सऊदी अरब भी शामिल था। परिणाम स्वरूप 193 सदस्यों द्वारा किए गए मतदान में पाकिस्तान को 169 मत मिले, उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150, चीन को 139 और सऊदी अरब को सिर्फ 90 वोट मिले। नए सदस्य 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मकसद दुनिया में मानवाधिकार को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसके सदस्य हर साल 3 बार मार्च, जून और सितंबर में मिलते हैं। भारतीय छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा NASA। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रायोगिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च के लिए चुना है। चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्देशित 3 छात्र तमिलनाडु से हैं। यूसेज इंडिया को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए चुना गया। सरकार ने 2021 मार्च तक भारत नेट परियोजना के तहत 5,000 ग्राम पंचायत, सीमा और नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ साथ द्वीप क्षेत्र को जोड़ने के लिए यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया का चयन किया है। 5,000 ग्राम पंचायत मणिपुर सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख के साथ साथ अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और गिलवन घाटी में कनेक्टिविटी की कमी है। यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने 13 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की बात करते हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के गठन की दिशा में नीति आयोग ने 8 अक्टूबर 2020 को इसकी प्रशासनिक संरचना को घोषित कर दिया। इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिसाइल सिस्टम में मेक इन इंडिया को बढ़ावा, और ऐसा हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए। ब्रह्मोस विदेशी बूस्टर से लैस है। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की टॉप स्पीड है Mach 2.8। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट के बाद मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिला। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि स्वदेशी बूस्टर की विशेषता वाले ब्रह्मोस का फ्लाइट टेस्ट इंडिजीनियस कंटेंट को मिसाइल में बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। यह एक सफल मिशन था। एक्सटेंडेड रेंज के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में शामिल कई इंडिजीनियस सिस्टम की भी टेस्टिंग की गई है।
डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि इंडिजीनियस यानी स्वदेशी सिस्टम को शामिल किया गया है जो फुल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती है। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी सामग्री ब्रह्मोस में बढ़ गई है। परीक्षण 30 सितंबर को आयोजित किया गया था। ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर से डेजिग्नेटेड रेंज के लिए कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम के साथ स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन की विशेषता वाली मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ खबरों की बात करते हैं। अर्टेमिस अकॉर्ड के तहत नासा ने 8 नेशन स्पेस गठबंधन की घोषणा की। नासा ने मंगलवार को घोषणा की कि 8 देशों ने अर्टेमिस समझौते नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो चंद्रमा और उसके आगे के भविष्य की खोज के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। ये संधि नासा के अर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने संस्थापक सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, जिसका उद्देश्य 2024 तक मनुष्यों को पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी यानी चांद में फिर से पहुंचाना है। नासा के नए चंद्रमा नियम कोई लड़ाई या कूड़ा नहीं। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि और कई देश 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाने के प्रयास में शामिल होंगे। यह न केवल चंद्रमा पर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यात्रा करने के लिए महत्वपूर्ण बल्कि यह कि हम अपने मूल्यों को अपने साथ लाएं। नासा के इंटरनेशनल और इंटर एजेंसी रिलेशंस के एक्टिंग चीफ माइक गोल्ड ने कहा। नियमों की बात करते हैं। नियम नंबर 1, सभी को शांति से आना चाहिए। सीक्रेसी इज बैंड और सभी लॉन्च की गई वस्तुओं को आइडेंटिफाई और रजिस्टर करने की भी आवश्यकता है। सभी सदस्य अंतरिक्ष यात्री आपात स्थितियों में पिच के लिए सहमत होंगे। स्पेस सिस्टम यूनिवर्सल होना चाहिए ताकि सभी के इक्विपमेंट कंपैटिबल हो और वैज्ञानिक डाटा शेयर किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक जगहों को संरक्षित किया जाना चाहिए और किसी भी स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष कबाड़ का प्रॉपरली डिस्पोजल किया जाना चाहिए। रोवर्स और अन्य अंतरिक्ष यान अपने मिशनों को अन्य लोगों द्वारा खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ब्रिडेनस्टाइन के अनुसार वॉलेटर्स कुड बी आस्क्ड टू लीव यानी जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें मिशन से जाने के लिए कहा जा सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट की बात करते हैं। IMF ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य पर जारी ताजा रिपोर्ट में इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट का अनुमान जताया है। IMF ने इस वित्त वर्ष के लिए दूसरी बार भारत के विकास पूर्वानुमान को घटा दिया है। इससे पहले IMF ने भारत के लिए अप्रैल में 1.9% की वृद्धि के पूर्वानुमान को जून में 4.5% की गिरावट में बदल दिया था। हालांकि IMF ने ये भी कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों के अनुमान में संशोधित भारत के मामले में बढ़ा है क्योंकि यहां दूसरी तिमाही के दौरान GDP में अनुमान से कहीं बड़ी गिरावट रही है। इससे पहले 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.2% थी। पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने भी कहा था कि इस वित्त वर्ष में भारत के GDP में 9.6% की कमी आएगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि 2021 में 5.2% की जोरदार वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। चलते चलते UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए जरूर टिप लीजिए KSG इंडिया टॉपर टीना डाबी से। अब हम अगर आंसर राइटिंग में आ जाएं फॉर GS मेंस, आई बिलीव एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सबको फॉलो करना चाहिए एंड आई थिंक यू नो इट्स वेरी इजी फॉर्मेट एंड इट फेचेज यू लाइक आई कैन से इट फेचेज यू गुड पास। अब मैं कह सकती हूँ सो आई थिंक जो भी क्वेश्चन है इफ इट्स ऑन गिव मी अ टॉपिक चलो स्मार्ट सिटीज ले लेते हैं। यू नो दैट्स माय आई ओनली थिंक अबाउट स्मार्ट सिटीज Smart cities. Of course, it won't be directly on smart cities. Kuch puchhenge aspect of smart cities. So, of course, in your answer, your first three lines should be about what the question is about. Smart cities ke baare mein pucha hai, toh what is the concept of smart cities? Theek hai? Then, the main body of the answer has to address what aspect of smart cities actually pucha gaya. Hamesha, you know, koshish kariyega ki opening line na thodi
इम्प्रेसिव होगी, सामने वाला खुश हो जाएगा, अरे क्या बात कर दी। सो फॉर इंस्टेंस कौन सा जुडिशरी पे क्वेश्चन था एंड आई रिमेंबर दिस कोट, यू विल रीड सो मच, ऐसा नहीं है कि आई हैव दिस बैग ऑफ कोट्स, इट्स जस्ट दैट व्हेन यू रीड सो मच अपने आप यू नो यू विल रिमेंबर लाइन्स, हो जाता है आप, डोंट वरी। सो देयर वाज आई फॉर इंस्टेंस आई स्टार्टेड एन आंसर दैट यू नो इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज ऑफ यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डार्कनेस। So you know if you begin with such lines, it would they become really happy. So you know the first three lines have to be, you know, thoda creative, it will come. Aisa nahi I am very creative, he is very creative, I'm not. So you know I'm telling you it got developed with all the readings and whatever newspaper padha, editorials padhe, GSE pad liya, you get this. So he is one of the creative guys, I'm not. So it's very very possible ki ho jata hai, aram se ho jata hai, darne ki baat nahi hoti. And so first three lines aap wo likhiye. Then main body में you address जो भी aspect पूछा है and then you write the conclusion. Conclusion में you always have to be a positive person. A lot of people ask, ma'am, can we be critical of the government? Can we do this? Can we? Of course, you have to show that you are a practical person. आप realities जानते हैं, उनसे engage करते हैं, आप समझते हैं realities को. So of course, आपके पास पूरा हक है कि आप negatives ही बताएं. But of course, you have to always project yourself that you are a very positive person and you believe that improvement is possible, things will change, you are brimming with positivity. So your conclusion always has to be like, of course, it is unfortunate ki ye cheeze hain, but of course, a lot of scope is there and a lot of things can be done. So you know, they want people who are positive, who are willing to bring about change. So hamesha, conclusion has to be positive, even if you have highlighted the negatives. And of course, koi agar negative cheez hai, agar aap negatives highlight nahi karenge, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए टीना डाबी जी का शुक्रिया। आप देश सेवा में कीर्तिमान स्थापित करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर KSG इंडिया एक्सप्लेनर देखने के लिए और बहुत सा इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट ksgindia.com पर। अब आप घर बैठे ही UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन करें KSG इंडिया ऑनलाइन प्रोग्राम्स। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।